नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टॉप PSU स्टॉक्स है जिसका डिविडेंड यील्ड इतना शानदार है कि जिसमें इतना कि आपको FD पे ब्याज नहीं मिलता होगा। FD पे ब्याज 7% मिलता है, उसमें आपको इनकम टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पर 10 लाख रुपए तक जो है इनकम टैक्स फ्री है। या अब नया नियम आया है, आप जिस इनकम टैक्स स्लैब में है उसके अनुसार आपको डिविडेंड पे टैक्स लगेगा। कहें कि FD से ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ डिविडेंड के रूप में मिल रहा है, तो आपको PSU स्टॉक्स में 10% तक का डिविडेंड यील्ड है, यहाँ तक कि 15% तक का डिविडेंड यील्ड। तो समझ सकते हैं 15% रिटर्न आपको कभी भी FD पे नहीं मिल सकता है। तो ऐसे ही स्टॉक्स के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कि PSU स्टॉक्स है। इसमें मतलब आपका रुपये डूबने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है आपके पास। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, हमारे चैनल पर देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोज है आज हमने डाल दिया है। सबसे ज्यादा बोनस देने वाला, डेब्ट फ्री कंपनी, डिविडेंड वाली, ग्रोथ वाली, मतलब चारों चीज जिसमें मिलेगा, तो ये वीडियो जाकर जरूर देखिए। फिर आज जो शेयर में तेजी था, जैसे ITI में, भेल में, ITC में, उसी बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बजाज फाइनेंस में, तो इसका क्या कारण था आप यहां जाकर के देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट को और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका करंट प्राइस देखते हैं 43.40 रुपीज है। आज ये 12% अप है, काफी तेजी इसमें देखने मिला है। आप एक मंथ में देख सकते हैं, एक मंथ में काफी तेजी है इस स्टॉक्स में। और वहीं आप इसमें 5 ईयर्स की चार्ट देखेगा तो देखते हैं स्टॉक्स में लगातार गिरावट हुआ है। मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो भी देखते हैं कि चार्ट पे काफी कमजोर दिख रहा है ये स्टॉक्स। तो इसका हमने चर्चा किया था कई सारे वीडियोज में, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं मुख्य रूप से डिविडेंड का। तो डिविडेंड देखते हैं 4.61% का। तो इसका जो डिविडेंड है, अभी थोड़ा सा प्राइस में काफी मोमेंटम आने से ये जो है डिविडेंड आपका 5% से कम आ गया। साथ साथ यहां आपको ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। उसके बाद हम दूसरा स्टॉक की बात करें तो ONGC देखते हैं, इसका डिविडेंड 14.32%, जबकि स्टॉक्स काफी मूव कर चुका है उसके बाद आपको इसका 14.32% दिख रहा है, मतलब इतना कि FD के ब्याज से दो गुना, जो FD पर आपको ब्याज मिलता है 7%, उससे दो गुना यहां पर है। और साथ साथ इनकम टैक्स में भी छूट है स्लैब के अनुसार। उसके बाद देखते हैं 1 मंथ में काफ़ी डाउन है, 1 ईयर में भी देखिएगा तो काफ़ी डाउन है। आपको काफ़ी मतलब लो प्राइस पे ये स्टॉक्स मिल रहा है, तो देख सकते हैं ये स्टॉक्स काफ़ी दिनों से यहाँ से अंडर परफॉर्म रहा है। तो आने वाले समय में अगर ये आपको लगता है कि इसमें ग्रोथ है, साथ साथ डिविडेंड तो आपने देख ही लिया कि डिविडेंड कितना हाई है, 15% आपका डिविडेंड, मतलब आपका मनी जो है 6 साल में गारंटी के साथ बैक हो जाएगा, वापस आ जाएगा आपके हैंड में। तो ऐसे ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स है, तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको देखना है इसमें ग्रोथ है या नहीं। मैनेजमेंट तो काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो ऐसे ही सारे स्टॉक्स आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। उसके बाद है हमारा ऑयल इंडिया, इसका डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 11% के आसपास। तो इतना बेहतरीन डिविडेंड 11%, मतलब 9 साल में गारंटी के साथ आपका जो मनी होगा वो वापस आ जाएगा डिविडेंड के रूप में। साथ ही साथ ग्रोथ जो मिलेगा अलग, ग्रोथ के साथ साथ आपको डिविडेंड मिलता है, साथ साथ बोनस शेयर भी मिल सकता है। इतना बेहतरीन स्टॉक्स है ये, आप ऐसे स्टॉक्स में जब भी मतलब आपको मौका मिले तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर इनकम, पैसिव इनकम चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, रेगुलर इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इसमें ऑयल इंडिया, ONGC, उसके बाद फिर देख सकते हैं IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन सारे स्टॉक्स गवर्नमेंट स्टॉक्स में जा सकते हैं। मतलब आपका अगर एज ज़्यादा हो चुका है, अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं, पैसिव इनकम चाहते हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आप जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो IOC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इसका देखते हैं 7.67%, ये भी FD से ज़्यादा ब्याज, FD पर जो ब्याज मिलेगा उससे ज़्यादा आपको डिविडेंड दे रहा है। ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स और आपको काफ़ी अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल रहा है। 1 ईयर का चार्ट देखिए, देखते हैं काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है। फिर देखते हैं लॉन्ग टर्म का चार्ट, तो ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब गवर्नमेंट कंपनियों में आपको ज़्यादा तो रिटर्न आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन रिटर्न ठीक ठाक है। अगर बोनस भी देती है तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। डिविडेंड तो इतना पे करती है कि FD पर जो ब्याज आपको मिलेगा उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर डिविडेंड के रूप में रिटर्न मिलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि एक साइकिल होता है, अभी बहुत दिनों से जो PSU स्टॉक्स है वो अंडर परफॉर्म है, तो आगे हो सकता है कि PSU स्टॉक्स में रिकवरी देखने मिले, ग्रोथ देखने मिले। उसके बाद एक और बेहतरीन स्टॉक्स PSU स्टॉक्स, कोल इंडिया। दोस्तों ये कोल इंडिया, इसका जो बिजनेस है वो भी मोनोपोली क्रिएट करता है और ये माइनिंग में है, और इसका डिविडेंड यील्ड देखते हैं 13.14%। तो इसका जो FD पर ब्याज है, आपका जो
उस पर टैक्स कटने के बाद होगा, उससे दोगुना रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स आपको PSU सेक्टर में मिल रहे हैं। मैक्सिमर का चार्ट देखिएगा, देखते हैं स्टॉक्स काफ़ी अंडर परफॉर्म है, काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम मिलती है। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि जो साइकिल है PSU स्टॉक्स का वो काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म है, मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो आगे ये परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद अगला स्टॉक्स है हमारा SBI। तो एक ही ऐसा स्टॉक्स है PSU स्टॉक जो कि इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, ग्रोथ के रूप में, बोनस के रूप में, हर चीज़ में। इसका मैक्सिमम का चार्ट देखेगा तो देखते हैं काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स। अभी आपको सिर्फ गिरावट देखने मिला है, नहीं तो ये स्टॉक्स लगातार परफॉर्म कर रहा था। देख सकते हैं 2000% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, साथ ही साथ बोनस भी दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड बहुत ही कम टाइम्स आपको मिलता है, लेकिन आपको अगर चाहिए गवर्नमेंट का सिक्योरिटी, हम गवर्नमेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये बेहतरीन स्टॉक्स है और काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, क्योंकि ये 350 रुपये का स्टॉक्स हुआ करता था, अभी मात्र आपको 187 रुपीज़ पर मिल रहा है। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है SBI, और बिजनेस तो इसका जानते हैं कि भारत की लीडिंग बैंक है, तो जो सरकारी बैंक है उसमें सबसे लीडिंग बैंक है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें HDFC लीडिंग बैंक है। उसके बाद अगला है भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर हैं तो आप इस स्टॉक्स के बारे में सुने होंगे। जब से COVID-19 है आया है, इस स्टॉक्स में काफ़ी तेजी देखने मिला है, क्योंकि ये जो बहुत सारे फार्मा के जो मेडिसिन होता है उसे बनाती है, साथ साथ पोलियो का वैक्सीन भी बनाती थी, अब तो पोलियो हमारा मुक्त हो गया भारत। तो ऐसे में देखते हैं इस स्टॉक्स में अभी काफ़ी तेज़ी इधर देखने मिला है। यहाँ पर देखते हैं 197% का रिटर्न, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट था इसमें वो उसको 2 गुना से 3 गुना कर दिया। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स ये भी है, लेकिन ये स्टॉक्स काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म था, और अभी देखते हैं लगातार इसमें अपर सर्किट हिट कर रहा है ये। अभी आपको हम इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि ये अपने 52 वीक हाई पे है, काफ़ी ये स्टॉक्स जो है मूव कर चुका है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक से थोड़ा दूरी बनाए रखें। उसके बाद अगला स्टॉक्स है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, इसका भी डिविडेंड यील्ड देखते हैं 2% के आसपास है, लेकिन इस स्टॉक्स में अभी काफ़ी ग्रोथ इधर देखने मिला है। इस स्टॉक्स में अभी जो मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा आया है, यहाँ से देखते हैं इस स्टॉक्स में 163% का मूवमेंट, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अभी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है मार्च में जो गिरावट आया था वहाँ पर जो इन्वेस्ट किए होंगे काफ़ी, तो ये भी गवर्नमेंट स्टॉक्स है, डिफेंस से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा किए थे एक वीडियो में। उसके बाद है भारत फोर्ज, ये भी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये भी हमारे मतलब जो डिफेंस है उससे रिलेटेड है, इसलिए जब से ये खबर आया है चाइना से टेंशन का, तब से इन सारे स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने मिला है। तो देखते हैं आज भी ये स्टॉक्स 3% की तेज़ी, और यहाँ पर देखते हैं काफ़ी इसमें गिरावट आया था, उसके बाद इसमें देखते हैं काफ़ी तेज़ी इसमें देखने मिला है। 1 ईयर में बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर ये काफ़ी इसमें गिरावट आया था, और गिरावट से वहाँ से ये 69% का रिटर्न दे चुका है। तो ये भी स्टॉक्स है जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, और इस स्टॉक में भी देखते हैं काफ़ी मूवमेंटम आया है, और 7000% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में दिए दिया है ये स्टॉक्स। उसके बाद अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो स्टेट बैंक है उसके बाद जो दूसरा लीडिंग बैंक है PSU सेक्टर का, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका भी डिविडेंड खासा अच्छा है, देखते हैं 2.34% का, तो जो इसका डिविडेंड अच्छा है आप उसमें डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो स्टॉक्स में डिविडेंड अच्छा नहीं है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद इसका देखते हैं, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, अभी काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म है, नहीं तो ये भी स्टॉक्स SBI के बाद दूसरा PSU स्टॉक है जो कि इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद अगला है सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, ये भी स्टॉक्स देख सकते हैं, इसका जो डिविडेंड है 1.57, इसका डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा कम है, क्योंकि अन्य PSU स्टॉक्स 15% डिविडेंड यील्ड है, तो इसका मात्र 1.57% डिविडेंड यील्ड है, तो इसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये स्टॉक्स देखते हैं काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने वाला है, मतलब चार्ट पर देखिएगा तो ये स्टॉक्स काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है, तो इस स्टॉक को आप अवॉइड करेंगे तो ही अच्छा है, इस स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है। आपने देखा जो गवर्नमेंट का स्टॉक्स है SBI काफ़ी अच्छा है, उसके बाद कोल इंडिया अच्छा है, IOC अच्छा है, मतलब उसमें आपको अच्छा डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड पे इतना रिटर्न मिलेगा जितना कि आपको FD पे नहीं मिलता है। तो आपको इन सारे स्टॉक्स में अब जो अगला स्टॉक्स है वो है गेल भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है,
गेल का देख सकते हैं, इसका डिविडेंड यील्ड 7%, तो इसका भी डिविडेंड यील्ड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसका भी डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 7% का डिविडेंड यील्ड है। तो ये भी एफडी के तरह आपको रिटर्न देता है, मतलब जितना एफडी पे आपको ब्याज मिलेगा उतना ही डिविडेंड यील्ड इसका है, मतलब डिविडेंड के रूप में आपको रिटर्न देता है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है डिविडेंड के रूप प्रोस्पेक्टिव से, और लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो ये इन्वेस्टर को रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया है। देख सकते हैं 2000% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, अभी कुछ सालों से ये अंडर परफॉर्म है। तो ये स्टॉक्स है जो कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी दिया है, साथ साथ डिविडेंड भी काफ़ी बेहतरीन दिया है। तो ऐसे गवर्नमेंट स्टॉक में, पीएसयू स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जरूर करें, क्योंकि ये बेहतरीन स्टॉक है जिसका डिविडेंड यील्ड इतना ज़्यादा है कि जितना कि आपको एफडी पर ब्याज नहीं मिलता होगा। ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो इसमें से आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स चुनने हैं जो कि आपको अच्छा लगे। जैसे आपको ONGC देखते हैं 14% का डिविडेंड यील्ड, उसके बाद यहाँ पर ऑयल OIC देख सकते हैं 10% का डिविडेंड यील्ड। लोग 10% 15% का रिटर्न पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो है बैठे बैठे आपको रिटर्न मिल जाएगा डिविडेंड के रूप में 10% 15% देखते हैं 7.67%। तो उसके बाद कोल इंडिया देख लीजिए 13.14%, तो इतना का डिविडेंड आपको मिल रहा है। इतना का डिविडेंड प्राप्त करने के लिए, इतना का रिटर्न प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में नहीं हैं तो इन सारे स्टॉक से आप डिविडेंड के रूप में एक रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको खुद अपना रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ग्रोथ की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि आगे पीएसयू स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आगे लगता है आपको भी कि परफॉर्म करेगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी थोड़ा सलाह ले लें और फिर इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।